नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। पत्रकार एकता संघ बल्दी राय तहसील प्रभारी संदीप द्विवेदी के एसडी कोचिंग सेंटर में फेयरवेल पार्टी का हुआ आयोजन। चेहरे पर खुशी, आंखों में दिखा विदाई का गम। सुल्तानपुर बल्दी राय तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित इसौली रोड अलियाबाद पारा बाजार सुल्तानपुर के एसडी कोचिंग सेंटर में फेयरवेल पार्टी का आयोजन पत्रकार एकता संघ जिला सचिव राजदेव यादव की उपस्थिति में किया गया। विदाई समारोह में 9वीं कक्षा के छात्रों ने 10वीं कक्षा के छात्रों को पुष्प देकर सम्मानित किया। मौके पर छात्रों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। विदाई समारोह में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोचिंग सेंटर के प्रधानाचार्य कमाल अख्तर ने बच्चों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि छात्र जीवन के लिए 10वीं की परीक्षा अहम होती है। इस परीक्षा में बेहतर तरीके से सफलता पाने पर आगे के करियर को संवारने के लिए बहुत मदद मिलती है। इसी कड़ी में कोचिंग सेंटर के प्रबंधक व पत्रकार एकता संघ तहसील प्रभारी बल्दी राय संदीप द्विवेदी ने बच्चों को टिप्स देते हुए बताया कि बचे हुए समय में ईमानदारी पूर्वक मेहनत के साथ पढ़ाई करने को कहा। वहीं पत्रकार एकता संघ जिला सचिव शिक्षक राजदेव यादव ने बच्चों को अग्रिम शुभकामना देते हुए कहा कि आप सभी सेंटर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन नाम हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़कर मेहनत करके अपने अपने लक्ष्य को हासिल करो और कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करो। बच्चों ने अपनी खट्टी मीठी यादों को भी एक दूसरे से शेयर किया। कक्षा 10 के छात्रों में खुशी तो दिखी, लेकिन विदाई का दर्द वो छुपा नहीं सके। चेहरे पर खुशी, आंखों में विदाई का गम साफ झलक रहा था। कक्षा 9 के छात्रों ने 10वीं कक्षा के बच्चों को उपहार देकर विदा किया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज में 10वीं कक्षा के बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार एकता संघ बल्दी राय तहसील उपाध्यक्ष शिव शंकर चौधरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अर्पणा द्विवेदी, साइमा गुलफाम, खुशनुमा अर्चना, शशि यादव व अफसा सहित पूरी कोचिंग सेंटर परिवार उपस्थित रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।